अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू डूइंग वेल। सो कि आज हमारा जो टॉपिक है वो है पोएम है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है रिगार्डिंग आईबी की टेस्ट, क्योंकि मोस्टली जो है पोएम के तकरीबन 5 to 10 एमसीक्यूज आ जाते हैं, समटाइम्स 15 भी आ जाते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है पोएम पे कि वो कितनी बड़ी पोएम है। और पोएम को समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड कीप इन माइंड सम टिप्स एंड ट्रिक्स एंड कुछ चीज़ें जो आपको माइंड में रखनी चाहिए। कि फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, पोइम्स की एक जो खासियत है ये है कि उसकी जो मीनिंग होती है, जैसे हर वर्ड की मीनिंग क्या होती है उसकी तकरीबन 5, 10 या 15 भी होती हैं। ठीक है, एक वर्ड की मीनिंग, ठीक है, तो इसमें वो आपको फाइंड करनी होती है कि इसमें उस वर्ड की मीनिंग क्या है। ऐसा नहीं जो आप पर्टिकुलर बचपन से पढ़ के आ रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे वो मीनिंग नहीं हो सकती, मे बी हो लेकिन समाव चेंज हो सकती है। ठीक है, जितने भी उसके वर्ड्स हैं वो, जैसे अगर सपोज करें किसी भी वर्ड की मीनिंग है, तकरीबन 5 वर्ड है उसकी मीनिंग, तो उसमें आपको फाइंड करनी है वो 5 वर्ड कौन सा एक वर्ड यहाँ पे उसकी मीनिंग है प्रॉपर। तो उसके लिए आपको पहले तो उसकी जो भी जहाँ पे मैं आज आपको बताऊंगा कुछ टर्म्स उसकी, तो उसको टर्म्स को देखे हुए आपको फाइंड करना है उसकी मीनिंग क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल पोएम की जो मीनिंग होती है वो डिफरेंट होती है ना, तो उस मीनिंग को समझना लाजमी है। समटाइम पोएम अच्छी आ जाती हैं, सब ईजिली आ जाती हैं, बट समटाइम बहुत ही डिफ़िकल्ट आ जाती हैं। ठीक है, जबकि कोई वर्स आ जाता है, ठीक है, तो वो समझना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, तो पोएट्री के कुछ टर्म्स होते हैं, ठीक है, वो आपको पहले माइंड में होने चाहिए। पहले होता है इलिट्रेशन। अब ये क्या होता है, द रिपीटेशन ऑफ इनिशियल कंसोनेंट साउंड इन वर्ड्स सच एज रफ एंड रेडी। ठीक है, रफ एंड रेडी एंड ऑफन यूज एज एम्फेसाइजेस। अब कुछ इसमें क्या होते हैं, कुछ ऐसे कॉन्सोनेंट साउंड के वर्ड होता है जो रिपीट हो। ठीक है, अब कैसे, लेट्स सी एग्जांपल, अवर गैंग पेसेस एंड फायर लाइक एन ओल्ड माइक। तो यहाँ पे देखो पी और यहाँ पे भी पी है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पेसेज है पी। ठीक है, तो एक साउंड आ रहा है कॉन्सोनेंट का आ रहा है और एक दे आर मैचिंग, ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड है, ठीक है, और सम टाइम क्या करें एम्फेसाइज भी करें और थोड़ा सा मैचिंग भी हो रहा है वर्ड। ठीक है, इसी तरह से अब देखो क्लासिक एग्जांपल, देखो शी सेल्स, सी सेल्स बाय द सी शोर। तो देखो इसमें कितने कॉन्सोनेंट है, ठीक है, तो उनके साउंड भी मोस्टली, ठीक है, यहाँ पे भी सी से स्टार्ट हो, यहाँ पे भी सी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और सी जो वो साउंड से कॉन्सोनेंट के सिमिलर आ रहे हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं इलिट्रेशन। और इस तरह अनदर फैन फेवराइट इज द पीटर पाइपर पिक्ड ए पिक ऑफ पिकल्ड पेपर्स। ठीक है, तो ये भी वर्ड, इस तरह के वर्ड आते हैं तो इलिट्रेशन कहते हैं। जैसे हम लोग बचपन में करते थे कच्चा पापड़, पका पापड़, कच्चा पापड़, पका पापड़, सो इसी तरह, तो वो उसे इलिट्रेशन कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, जब पोएम में अगर इलिट्रेशन आता है तो उसको हम कैसे समझ पाएंगे, तो उसको हम लोग कंसोनेंट साउंड के द्वारा समझेंगे और उसमें एक रिदम होती है उसकी। ठीक है, अच्छा, आफ्टर दैट अब इलिट्रेशन इज मीन टू बी मोर देन ए टंग ट्विस्टर। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, टंग ट्विस्टर, जैसे हम लोग यहाँ पे भी पका 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 पका, तो हम लोग भी समटाइम वो वर्ड फिसल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ट्विस्टर हो, तो यहाँ पे भी आप देखें पीटर पाइपर पिक्ड ए पेपर पिकल्ड पेपर्स, तो यहाँ पे भी हम लोग थोड़ा सा ट्विस्टर हो जाते हैं हमारे टंग, तो वो उसे कहते हैं इलिट्रेशन। ठीक है, लेट्स मूव ऑन बैलेंस। अब ये क्या होता है, ए पोएम इन वर्स, ठीक है, वर्स में होती है ये पोएम, दैट टेल ए स्टोरी, स्टोरी बताती है। अब क्या होता है, ए पोएम दैट टेल्स ए स्टोरी ऑफ एडवेंचर। ठीक है, एडवेंचर ये फिक्शन जो स्टोरी होती है, ठीक है, मोस्टली वो एडवेंचर से होती है, और ऑफ ए हीरो दैट इज सुइटेबल फॉर सिंगिंग एंड दैट यूजली हैज स्टेंजा ऑफ 4 लाइन्स विथ ए राइम ऑन द सेकेंड एंड फोर्थ लाइन। बैलेंट क्या होता है, ठीक है, एक पोएम होती है, स्टोरी होती है, या किसी हीरो की होती है, एडवेंचर होती है, ठीक है, और मोस्टली वो क्या होती है, सिंगिंग एबल होती है, और उसमें स्टेंजा होती है 4 लाइन्स की। स्टेंजा मतलब वो लाइन्स कितनी उसमें होती है, ठीक है, स्टेंजा मतलब लाइन्स जो कि पोएम्स में होती है, तो उसको कितनी लाइन्स होती है, 4 लाइन्स की होती है। ठीक है, समटाइम और उसके अलावा उसमें रिदम होती है, स्टेंजा लाइन्स विद ए राइम, उसमें एक रिदम होती है, राइम होती है ऑन द सेकेंड एंड फोर्थ लाइन, सेकेंड लाइन जो होती है और फोर्थ लाइन जो होती है, तो
तो उसमें एक रिदम होती है, मैचिंग एबल होती है, ठीक है। आपने मोस्टली पोएट्री पढ़े होंगे, ठीक है, तो उसमें क्या होते हैं, फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन आपस में वो मिले होते हैं, ठीक है, उनकी रिदम बनती है, ठीक है, हमें भी सुनने में अच्छा लगता है, तो उसमें उसे कहते हैं बैलेट। अब कपलेट क्या होता है, कपलेट वो होता है टू लाइन्स ऑफ वर्स द सेम लेंथ, ठीक है, जिसकी लेंथ भी सेम होती है, ठीक है, यूजली राइम, ठीक है, और उसमें राइम भी होती है। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, ट्रू विट इज नेचर टू एडवांस रेस्ट, वॉट ऑफ वॉस थॉट बट नेवर सो वेल एक्सप्रेस्ड। तो इन दोनों के लास्ट में क्या है, डी है, देखो पूरे वर्ड भी राइम पर हो रही है और मोस्टली लेंथ भी सिमिलर, ठीक है, ऑफ वॉज विट नेचर थॉट टू, ठीक है, एडवांटेज, इनकी जो मोस्टली लेंथ भी है वो भी सिमिलर है, तो उसे कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, कपलेट कहते हैं। उसके बाद है इन राइम। इन राइम क्या मतलब है, इन राइम इज डिफाइंड एज वेन ए साउंड द सेम, एन एग्जाम्पल, उसके जो इन राइम क्या होते हैं, डिफाइंड एज वेन साउंड क्या होते हैं, उसके सिमिलर होते हैं, ठीक है, जैसे आप ड्रेस्ड एक्सप्रेस्ड, तो दोनों की जो लास्ट में क्या वर्ड वो उनके राइम दोनों की क्या हो रही है, सिमिलर हो रही है, ठीक है। लिटिल बॉय ब्लू कम ब्लो योर हॉर्न, तो इनकी भी राइम मोस्टली सिमिलर, देखे यहाँ पे देखो कॉर्न ग्रो रो, तो इनकी मोस्टली जो है राइम क्या हो रही है वो सिमिलर है। जब इसको द शेप्स इन द मेडो, द काउज इन द कॉर्न, मेरी मेरी क्वाइट कॉन्ट्री, हाउ डज योर गार्डन ग्रो, तो ये देखो दोनों क्या हो रहे हैं, जो राइम हो रही है वो सिमिलर आ रही है, ठीक है। ए पोएम हैज लाइन्स एंडिंग विद वर्ड इन द पोएम, स्टार लाइट स्टार ब्राइट आवर डिजायर्ड फ्यूचर, आई थिंक लेकर, तो इस तरह की जो होती है वो इन राइम होती है, जहाँ की लास्ट वर्ड होते हैं वो क्या होते हैं, जिनकी राइम बनी होती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, हाइपरबोल। हाइपरबोल क्या होता है, अब हाइपरबोल में ए एग्जैगरेशन और ओवर ओनली हैड ए वन बैंक, ठीक है, चढ़ा के बात करना होता है इसमें। अब देखिए, इट्स 1000 ईयर्स सिंस ही और शी हैज सीन एनीवन, ठीक है, 1000 ईयर्स, कितने मतलब वो शायर पोइट चढ़ा के मतलब बात कर रहा है, ठीक है। तो ऐसी अगर पोइट्री होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, हाइपरबोल, जो कि इम्पॉसिबल नहीं होता, फिर भी वो चढ़ा के बात करता है, तो वो अच्छा। कि हाइकू, हाइकू क्या एक जापानी पोइट्री है, एक टाइप ऑफ जापानी पोइट्री, ए फॉर्म ऑफ जापानीज पोइट्री एंड ट्रेडिशनली बीन नेचर। द फर्स्ट लाइन हैव 5 सिलेबस, द सेकेंड लाइन हैज 7 सिलेबस एंड थर्ड हैज 5 सिलेबस, ठीक है। अब ये हाइकू क्या एक जापानीज पोइट्री है, ट्रेडिशनली इनकी एक पोइट्री है जो कि नेचर पोइट्री होती है मोस्टली, जिसमें जो फर्स्ट लाइन होती है उसमें क्या होता है, 5 सिलेबस होते हैं, उसके बाद सेकेंड जो लाइन होती है उसमें 7 सिलेबस होते हैं, एंड जो थर्ड लाइन होती है, ठीक है, उसमें क्या होते हैं, 5 सिलेबस होते हैं, ठीक है। मोस्टली दे आर कंसिडर ऑफ 3 लाइन्स। अब यहाँ पे देखो, बिहाइंड मी द मून, तो यहाँ पे देखो बी अलग हो गया, हिंड अलग हो गया, तो ये बन गए 2 वर्ड, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बी हंड, तो यहाँ पे 2 वर्ड हो चुके हैं। उसके बाद मी हो गया, फिर दे हो गया, मून हो गया, तो ये 5 हो गया वर्ड्स। उसके बाद सेकंड लाइन भी आते रहते हैं, तो यहाँ पे देखो बुर्शिज, तो उनको उन्होंने 2 वर्ड्स में तोड़ा, देखो बुर्शिज, तो बुर्श को अलग कर दिया उन्होंने, ई एस को उन्होंने अलग कर दिया, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। उसके अलावा शेडो को, क्यों उन्होंने शेडो को अलग कर दिया, शेड को अलग उन्होंने कर दिया, ओस को अलग कर दिया, ठीक है, शेड को अलग और ओस को अलग कर दिया, तो यहाँ पे 2 वर्ड बन गए, तो 2 वर्ड ये, 2 वर्ड 4 वर्ड, 5 6 7, तो यहाँ पे 7 उन्होंने सिलेबस दे दिए। उसके बाद लास्ट में आता है लाइटली, तो लाइट को अलग उन्होंने कर दिया, एलवाई को उन्होंने अलग कर दिया, तो ये 2 वर्ड्स हो गए, और उसके बाद 3 ऑन 4 द एंड फ्लोर 5, तो ये कंसिडर, पहली जो आ गई 5 लाइन पे आ गई, दूसरी आ गई 7 पे, तीसरी आ गई 5 पे, तो उससे क्या कहते हैं, हाइकू, ठीक है, हाइकू जो के जापानीज पोएट्री के टाइप है, इस तरह के अगर आ जाए तो हम लोग इसको कहेंगे हाइकू पोएट्री। अच्छा, तो इस तरह से, ठीक है, आप लेट्स सी अनदर एग्जांपल, जैसे जस्ट लुक एट द मून, तो यहाँ पे भी जस्ट लुक एट द मून, ये 5 वर्ड्स हो गए। उसके बाद सो बिग एंड ब्राउन, ठीक है, ये 4 वर्ड हो गए। उसके बाद ट्रस्ट वर्दी को 3 वर्ड्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है, ट्रस्ट वर थी, ठीक है, इनको 3 वर्ड्स में किया। फिर यहाँ पे देखो,
गार्डिंग, ठीक है, तो गार्ड को अलग किया, इंक को अलग किया, तो दो वर्ड ये हो गया, फिर अस एट नाइट, तो ये 5 वर्ड्स हो गए इस तरह से, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं, समझ में आ रहा है यहाँ तक, किसी कुछ कंफ्यूजन? अच्छा, लेट्स मूव ऑन लिरिक्स। अब देखो, लिरिक आपने पढ़ा होगा मोस्टली, आपने जो कि अगर कोई सॉन्ग आता है, ठीक है, तो उसके इसका लिरिकल कौन है, ठीक है, लिरिक्स किसने बनाए इस म्यूजिक के, ठीक है, तो पोइम्स में भी लिरिक्स होते हैं, ठीक है। ए लिरिक पोइम और लिरिकल पोइम इज लिटरेचर, इज ए पोइम इन विच द पोइट आइदर एक्सप्रेसेस हिज फीलिंग एंड इमोशन, ठीक है। लिरिक पोइम होती है, उसमें क्या होता है, पोइट अपने क्या एक्सप्रेशन है, फीलिंग्स बताता है उसमें, ठीक है। द पोइट ऑल्सो प्रेजेंट ए करेक्टर इन द फर्स्ट पर्सन टू एक्सप्रेस इमोशन, ठीक। करेक्ट जो पोइट होता है वो अपनी क्या होता है, करेक्टर में आता है, या करेक्टर किसी और करेक्टर पकड़ लेता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, अपनी एक्सप्रेशन, अपनी इमोशन को एक्सप्रेस करता है, ठीक है। आपने बहुत सारी ऐसी पोइम्स पढ़ी होंगी जो कि उसमें करेक्टर होते हैं, ठीक है, वो पोइम अपने पोइट होता है वो अपने ही करेक्टर को ही उसमें डालता है, ठीक है, और अपने जो फीलिंग्स इमोशन वो बताता है, ठीक है, थ्रू इज करेक्टर, ठीक है, और करेक्टर को भी अपने इमेजिन करके वो उसमें डाल देता है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ लिरिक एंड पोइट्री, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन होता है लिरिक एंड पोइट्री, वेयर ए पीस ऑफ पोइट्री विल बी रिटन इन लिरिक फॉर्म, ठीक है, तो जिसको हम लोग आराम से उसको पढ़ भी सकें, और उसमें एक रिदम होती है, जैसे कोई म्यूजिक वाला को, जैसे कोई सॉन्ग हो, ठीक है, उस तरह की होती है ये पोइट्री। अब ये पोइट्री पूरी, ठीक है, इसमें आप देखोगे, जैसे द पेंट स्लीप बाय सैमुअल टेलर गोलरिज, ठीक है, तो ये इनकी शायरी है, तो इसको आप पढ़ोगे, ठीक है, इसमें ले आ गया, प्रे आ गया, ठीक है, नीज आ गया, डिग्रीज आ गया, तो ये जो लास्ट वर्ड अगर मैचिंग हो, इट मीन्स इट लाइक लिरिक होती है, उनमें एक रिदम होती है, जैसे इरे ऑन माई बेड माई लिप्स आई ले माई हाथ नॉट बीन माई यूज टू प्रे, ठीक है, तो एक रिदम बन रही है, ठीक है, और इसमें एक म्यूजिक का थोड़ा सा साउंड आ रहा है, ठीक है, तो उसे कहते हैं हम लोग लिरिक कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, देयर फर्स्ट फ्यू लाइन्स ऑफ फेमस लिरिक पोएम ऑफ सैमुअल टेलर, ठीक, कोलरिज, दिस पोएम एज द लिटिल सजेस्ट इट अबाउट द पेंट दैट द पोइट हैज टू गो थ्रू वेन स्लीपिंग, ठीक है, जब ये जो पोइट है सैमुअल जब सोने जाता है, ठीक है, तो सजेशन एक, ठीक है, वो अपनी जो दुख बताता है, ठीक है, दुख दर्द बताता है इन पोइट्री में बताता है वो, ठीक है, अपनी फीलिंग्स इमोशन को। ही एक्सप्लेन हाउ ही लव्स टू गो टू द स्लीप एज हिज आईज बिकम क्वाइट हम्बल बिफोर स्लीप, दिस फर्स्ट लाइन हैव ए परफेक्ट मेट्रिकल पैटर्न एंड पोइम रिदम स्कीम टू मेक इट एन एक्सीलेंट लिरिक पॉइंट। अब इसमें कोई इतना ज़्यादा है नहीं, ठीक है, ऐसी पॉइम होती है जिसमें मतलब पॉइम ऐसा जिसमें म्यूजिकल आपको फील हो कि ये जैसे म्यूजिक बज रहा हो, ठीक है, उस तरह से म्यूजिक हम फील कर सकें, तो उसे लिरिक कहते हैं, ठीक। अच्छा, उसके बाद ओनोमेटोपिया क्या है, ठीक है, इज डिफाइंड एज अ वर्ड विच इमिटेट द नेचुरल साउंड ऑफ ए थिंग, इट क्रिएट साउंड इफेक्ट दैट मिमिक्स दैट थिंग डिस्क्राइब मेकिंग द डिस्क्रिप्शन मोर एक्सप्रेसिव एंड इंटरेस्टिंग। अब ये जो होता है इसमें क्या होता है, इसमें नेचुरल साउंड्स होते हैं, जैसे आपने बहुत सारे जो विलियम शेक्सपियर के आपने पढ़े होंगे, ठीक है, फर्स्ट इंटर में, तो उसमें क्या होता है, नेचुरल साउंड्स या नेचुरल लोगों के बारे में, मतलब नेचुरल चीज़ों के बारे में वो डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, और उसमें जैसे क्रिकेट हो गया, ऐसी पोइम थी विलियम शेक्सपियर की, जो जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है पोइट, जिसके उसके साउंड्स के बारे में बताते हैं, जैसे क्रिकेट की साउंड क्या हो गई, ठीक है, और फ्रॉग की वॉइस क्या हो गई, तो उस तरह आपके होते हैं। फॉर इंस्टेंस सेइंग द गशिंग स्टीम फ्लो इन द फॉरेस्ट इज अ मोर मीनिंगफुल डिस्क्रिप्शन देन जस्ट सेइंग द ही
द लिखा हुआ है, ठीक है, द स्ट्रीम फ्लोज इन द फॉरेस्ट, ठीक है। अब ये जो है द गशिंग स्ट्रीम फ्लो इन द फॉरेस्ट, इसकी मतलब, और ये नीचे वाला ठीक है द स्ट्रीम फ्लोज इन द फॉरेस्ट, इसका मतलब सेम ही होता है, ठीक है, नदी बह रही है फॉरेस्ट में, ठीक है। तो इस तरह से कोई, बट इसमें बट इस वर्ड में क्या जो थोड़ी सी डिफरेंशिएट वो गशिंग लगा, गशिंग मतलब जैसे पानी का जो शोर होता है, ठीक है, उसको कहते हैं गशिंग। द रीडर इज ड्रॉन टू हेयर द साउंड ऑफ गशिंग स्ट्रीम, ठीक है। उसने क्या किया है, उसने जो साउंड सुना रीडर ने, तो उसने वो साउंड भी उस वहां पे मेंशन किया है। विच मेक्स एक्सप्रेशन मोर इफेक्टिव इन एडिशन टू द साउंड दे रिप्रेजेंट, मेनी ऑनोमेटोपिक वर्ड्स हैव डेवलप मीनिंग ऑफ देयर ओन, ठीक है। मोस्टली जो भी होते हैं ऐसे पॉइंट होते हैं, ठीक है, वो अपने ही, वो जो भी साउंड हो वो अपने ही अंदाज में बयान कर देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द वर्ड विस्पर नॉट ओनली रिप्रेजेंट द विस्पी आर ब्रीथी साउंड ऑफ पीपल टॉकिंग क्वाइटली बट ऑल्सो डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ पीपल टॉकिंग क्वाइटली, देखिए जो विस्पर क्या होता है, जो कि जो लोग होते हैं वो ज्यादा जो क्वाइटली स्पीकिंग करते हैं, ठीक है, टॉकिंग क्वाइटली जो कहते हैं उसे हम लोग विस्पर कहते हैं, ठीक है, या ब्रीथी साउंड कहते हैं, ठीक है उसे। तो पॉइंट अपने अंदाज में वो लिख सकता है, ठीक है, अपने अंदाज में, जैसे यहाँ पे हो गया एग्जाम्पल देखें, द बजिंग बी फ्लू अवे टू यूर, तो यहाँ पे बजिंग बी मतलब जैसे वो बी होती है मक्खियाँ होती है जो उसकी जो परों से जो आवाज़ आती है उसे बजिंग कहते हैं, ठीक है। उसके बाद स्प्लैश, ठीक है, द सेक फेल इन टू द रिवर विथ ए स्प्लैश, स्प्लैश जैसे छंटा माने जो मतलब छंटों का आवाज़ आता है, ठीक है, बारिश जब जब बारिश की बूंदें जब जमीन को लगती है तो आवाज आता है तो उसे कहते हैं स्प्लैश, ठीक है। उसके बाद द बुक्स फेल ऑन द टेबल विद ए लाउड थंप, जैसे थंप का साउंड होता है, ठीक है, उस तरह से। और यहाँ पे रोरिंग साउंड जैसे लाइन का होता है, द रस्टलिंग, रस्टलिंग जैसे जिंक, जिंक का जैसे होता है, जैसे अगर लोहे लोहे को अगर हम लोग आपस में मिलाते हैं तो कैसे साउंड होता है उसे हम रस्टलिंग कहते हैं, तो इस तरह से, ठीक है। तो जिसमें साउंड्स की ज्यादा बात की जाए पोएट्री में उसे कहते हैं, ठीक है, ओनोटोपिया। उसके बाद है रेफरेन, अब रेफरेन क्या, सबसे ज्यादा ये रेफरेन यूज होता है, ठीक है, इसको लाजमी समझना है आपको। रेफरेन इज ए वर्स, ए लाइन, ए सेट, अ ग्रुप ऑफ लाइन्स दैट अपीयर्स एट द एंड ऑफ अ स्टैंजा। अच्छा, यहाँ तक का सब क्लियर है, सबको समझ में आ रहा
हाँ।